हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एक हैंड पर्स बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे इसे। तो चलिए आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हैंड पर्स बनाने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें बुकरम चाहिए। देखिए स्टिफ क्लॉथ होता है जिसे हम बुकरम कहते हैं, इसे हम यूज करेंगे। और दूसरा देखिए मैंने यहाँ पे वेलवेट का मटेरियल लिया है। अगर आपके पास वेलवेट नहीं हो तो सेटिन ले लीजिए, कोई भी फैंसी क्लॉथ ले लीजिए जिसका आप बैग बनाना चाहते हैं, हैंड पर्स बनाना चाहते हैं, तो वैसा आप कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह की गोल्डन डोरी मैंने ली है इसके अंदर, आपके पास जैसी भी हो आप उसे यूज कर सकते हैं। इस तरह ऐसी वाली मैंने लेस जो है चौड़ी वाली सीक्वेंस की, वो लेस मैंने इसमें यूज की है। और ये देखिए बैंगल, बैंगल्स तो बहुत इजीली मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा मोती वाला बैंगल्स है, ये भी अब बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी बैंगल्स आपके पास में हो तो इस तरह के आप बैंगल्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। और कोई भी क्लॉथ की पट्टी हमें चाहिए, कॉटन क्लॉथ की पट्टी चाहिए हमें। और साथ ही साथ क्लॉथ ग्लू है, ये क्लॉथ ग्लू हमें चाहिएगा कपड़े पे और बुकरम पे चिपकाने के लिए, क्लॉथ ग्लू का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम न्यूज़पेपर लेंगे, न्यूज़पेपर पर हम बेसिक कटिंग कर लेंगे। बेसिक कटिंग होने के बाद में ही हम कपड़े पे कटिंग करेंगे या हमारी बुकरम पे कटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर पे कटिंग कर लेते हैं। देखिए इसमें कोई खास ऐसा माप नहीं मैंने बनाया है कि ये इतने सेंटीमीटर लेना है या इतने इंच लेना है या कुछ भी नहीं माप है, ये बिल्कुल अंदाजे से बनाया है। आप भी बनाए तो बिल्कुल अंदाजे से इसे बना सकते हैं, बहुत ही ईजी इसे बनाना। ये देखिए न्यूज़पेपर की आपने देखा मैंने हाफ फोल्डिंग कर दी है न्यूज़पेपर को। हाफ फोल्ड करने के बाद में एक अंदाजे से मैंने देखिए फोल्डिंग मार दी है पेपर पे। इस फोल्डिंग को हम दोनों तरफ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ फोल्ड होने के बाद में ये जो मेन पेपर का हिस्सा सेंटर वाला है उसे हम अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह। सिंपल, इसे हम इस तरह से अंदर कर देंगे। अब हमें करना है, सबसे पहले हम कोई भी साइज की एक प्लेट ले लेंगे। ठीक है, प्लेट लेकर हम हमारा इस पर डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी देखिए राउंड प्लेट लिए मैंने, बट राउंड हम बैग नहीं बनाने वाले, हम सेमी राउंड बनाएंगे। तो उसको ऑफ सेंटर कर देते हैं हम यहां से थोड़ा सा। देखिए प्लेट को मैंने नीचे की तरफ कर दिया है और यहां पर पूरा देखिए बैग का आपको बेसिक शेप मिल जाएगी। इसे हमने ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। ये ड्रॉ हो गया। अब आप देखिए शेप आपको दिखाई दे रही होगी, एक शेप यहाँ पर बन गई है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये हमारा पेपर जो हमने फोल्ड किया था उसे हम स्ट्रेट कर देंगे। पेपर को स्ट्रेट कर दिया हमने। स्ट्रेट करने के बाद में यहाँ आप देख रहे हैं हमने ड्रॉ किया था, वहां से स्ट्रेट पेपर की तरफ हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका देखिए बनाने का, एक बार आप समझ लेंगे पेपर कटिंग आपको बहुत आसानी होगी। ये देखिए हमने स्ट्रेट कटिंग कर दी है इस पर। अब हैंडल बनाना है हमें, तो देखिए हमारे जो बैंगल हम लेंगे उसे हम यहाँ पर रखेंगे शेप में और कटिंग कर देंगे। अगर आपको प्रॉपर एग्जैक्ट साइज से, देखिए मेरा तो अंदाजा परफेक्ट बैठ जाता है, तो आप इसे कटिंग करके फोल्ड कर लीजिए और मार्किंग ले लीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पर सेंटर पे निशान बना सकते हैं। ये देखिए ये पूरा निशान बन गया है यहाँ पर कटिंग का, ये आप देख रहे होंगे, दिख रहा है आपको। अब इसको कटिंग करनी है हमने, ये नीचे जो स्ट्रेट पोर्शन है, स्ट्रेट हिस्सा, ये कटिंग करेंगे। और ये जो राउंड है ये पूरा राउंड हम कटिंग करेंगे, ये जो है इसे बाद में कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम दोनों पेपर को लेकर पूरा राउंड जो है आप देख रहे होंगे पूरा राउंड कटिंग करेंगे, उसके बाद में यहाँ जो स्ट्रेट हिस्सा है उसे भी कटिंग कर देंगे। इतना कटिंग होने के बाद में आप देखिए हमारा पेपर इस तरह का दिखेगा। ये देखिए ये आप देख रहे होंगे हमारा पेपर कटिंग होने के बाद में एग्जैक्ट शेप आपको ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने जो मार्किंग ली है
ये जो हमने राउंड कटिंग मार्किंग ली थी वो सिंगल पेपर पे हमें से राउंड में कटिंग कर देना है। जो हमने हैंडल वाली मार्किंग ली थी सिंगल पेपर पर हमें कटिंग कर देना है, पीछे की तरफ एक पेपर पे नहीं करना है, एक पे करना है ऐसे। ठीक है, सीधा करने पर हमारा पेपर कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, एक पेपर की और पट्टी कटिंग करनी है हमें। ये देखिए, ये जो सेंटर की चौड़ाई है, जो देख रहे हैं आप स्ट्रेट हिस्सा जो देख रहे हैं, उतना ही चौड़ा हमने ये पेपर कटिंग की है। ये देखिए, इस तरह की हमारी ये पेपर कटिंग है। जितना ये हिस्सा चौड़ा है उतनी ही हमने एक पेपर की कटिंग कर ली है। ये पेपर की लेंथ हमने बिल्कुल अंदाजे से निकाली है, एक पूरे पेपर को हमने कटिंग कर लिया और उसकी लेंथ हमने उस अंदाजे से ले ली है। ठीक है, अब ये लेंथ आपको देखिए, एक अंदाजा मैं बताऊं कितनी होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ से आप फोल्ड कर दीजिए या उस तरफ से फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ, और इस तरह से आप इसे खड़ा करके देखेंगे तो ये देखिए सेमी हाफ के काफ़ी पास पास में आ रहा है। ठीक है, पूरा नहीं जाना है हमने, आधे से थोड़ा ज़्यादा समझ लीजिए, ये हमारा आधा हिस्सा है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा पेपर लेना है। ये भी अंदाजे से है, आप अंदाजे से, और छोटा बड़ा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर्स आपका नॉर्मली ही बनने वाला है, एकदम वैसा ही बनने वाला है जैसा बनना चाहिए। साइज थोड़ा ऊंचा नीचा होगा तो कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, और इससे आप छोटा भी ले सकते हैं, इससे आप पतला भी ले सकते हैं, ये साइज भी छोटा आप ले सकते हैं। सबसे पहले पेपर कटिंग कर ले जो साइज चाहिए, इस तरीके से जो ये तरीका मैंने आपको बताया है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, आप देख लोगे मैंने बुकरम बिछा लिए नीचे, अब हमें बुकरम पे ये कटिंग करनी है। जी हाँ, हमारी बुकरम ले लेंगे, उसके ऊपर हम ये हमारा जो पेपर कटिंग है वो रख लेंगे और पूरा ड्रॉ कर इसे भी सेम इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और बुकरम अगर आपकी लूज है तो आप इसे डबल कर सकते हैं, डबल बुकरम करेंगे। थोड़ा स्टिफ चाहिए हमें, हैंडपर्स बना रहे तो एकदम ढीला होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो स्टिफनेस के लिए हमने इसे डबल करना है, तो डबल कर देंगे हम इसे। और सेम यही तरीके से हम ये पट्टी की सॉरी ये जो साइज हमने बनाया पर्स का बैग का वो साइज को हम कटिंग कर। ये देखिए हमारा बुकरम कटिंग हो गया है, देखिए हमने डबल डबल कटिंग किया हुआ है, ये भी देखिए डबल है कटिंग। अब इसे हम पूरा आपस में पहले बुकरम को चिपका देंगे, क्लॉथ ग्लू लेकर इसे पूरे को हम आपस में चिपका देंगे। ये देखिए जब ये अच्छे से आपस में चिपक जाए और सूख जाए तो अब हम क्या करेंगे, हमारा वेलवेट का जो क्लॉथ है उसे बिछाएंगे। ये देखिए इस तरीके से उल्टा रखेंगे हम इसे, और जो शेप हमने कटिंग की है, जो ये शेप हमने कटिंग की है वो इस पर हम पूरी चिपका देंगे। देखिए इस तरह से पूरी हम इसे चिपका देंगे, चिपकाने के बाद सूखने पर अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद में हम चारों तरफ से इसे कटिंग कर देंगे, हर साइड से इसे कटिंग कर देंगे। और अंदर की तरफ, अब अंदर की तरफ आप चाहें तो सेम वेलवेट का कपड़ा भी लगा सकते हैं, या अदर कोई कपड़ा आप लगाना चाहें तो अंदर की तरफ भी आप दूसरा कपड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे बाहर की तरफ हमारा हो गया, सेम क्लॉथ भी आप अंदर लगा सकते हैं या दूसरा कपड़ा भी आप इसे अंदर लगा सकते हैं, दोनों तरफ पूरा कपड़ा इसी तरह से। अगर आप सेम लगा रहे हैं तो पूरा लगने के बाद कटिंग कर दीजिए, कटिंग करने के बाद में फिर उलट कर फिर इस पर चिपका दिए उल्टे कपड़े पर, इस तरह से आपका दोनों तरफ से ये कपड़ा लग के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये पट्टी को भी कवरिंग करनी है, पूरी कवर कर देनी है दोनों तरफ से इसे। ये देखिए हमारे पूरे कटिंग पे हमने कपड़ा लगा दिया है वेलवेट लगने के बाद में। देखिए मैंने दोनों तरफ ये वेलवेट का ही यूज़ किया है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। देखिए इसी तरह हमने पूरी पट्टी पे भी लगा दिया है इस पर। अब अगर देखिए, अगर आपके धागे निकल रहे हैं तो आप मोमबत्ती लगाकर जैसे बर्न करते हैं उस तरह से चारों एजेस को हम पूरा बर्न कर सकते हैं, जैसे मैंने करके रखा है, तो धागे बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं निकलेंगे इसमें से। और इसी तरह इस पट्टी को भी हम बर्न कर लेंगे तो यहाँ से धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अब हम इस पर आगे का डेकोरेशन करेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखिए स्केल लेंगे, और ये जो जितना सीधा हिस्सा हमें दिख रहा है ये वाला, इस पर हम मार्किंग ले लेंगे थोड़ी इस तरह से। बकरम है इसलिए इसे प्रेस करना ज़रूरी है, ये देखिए, और इस तरफ भी हम ले लेंगे। हम एक फोल्डिंग दे देंगे इस तरह से। देखिए रफली तो आपको समझ ही गए होंगे आप किस तरह से हमारा ये बनने वाला है, कुछ इस तरह से, और साइड में हम इसे पैक करेंगे बाद में। ये रफली आप समझ रहे होंगे इस तरह से बनेगा हमारा। अब देखिए, अब जो ऊपर का डेकोरेशन वो करना है हमें, फोल्डिंग ही रख लेंगे ताकि हमारा अंदाजा बराबर बना रहे। और देखिए ये वाली हम लेस ले रहे हैं इसमें,
देखिए कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बट आजकल सीक्वेंस बहुत चल रही है इसलिए मैंने सीक्वेंस का यूज़ किया है इसमें। और अंदाजा देखिए, ये जो हमारा बैंगल है, जो ये हिस्सा है इस पर आएगा, तो हम एक अंदाजा देख लेते कि कितना हमें छोड़ना है। ठीक है, एक अंदाजन में 1.5 इंची का अंदाजा ले लेते हैं हम, तकरीबन 1.5 इंची के आसपास, यानी कि हमें इतना हिस्सा हम एम्प्टी छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी के हिस्से में हम ये लेस को हमारी इस तरह से लगा देंगे। लेस को हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, देखिए जहाँ हम लगा रहे हैं उससे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, और स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे इसे, एकदम सीधे में कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा हिस्सा हम ऊपर का फोल्ड कर देंगे, फिनिशिंग के लिए बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए इतना सा हिस्सा हम फोल्ड कर देंगे, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा हम यहाँ पूरा चिपका देंगे। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे की तरफ जाने देंगे, और ये जो हिस्सा है इसे चिपका कर हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ से कटिंग करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे पूरा हम चिपका देंगे इस तरीके से। दोनों तरफ चिपकाएंगे हम, पीछे साइड भी चिपकाएंगे और आगे की तरफ भी चिपकाएंगे। ये देखिए हमारा क्लॉथ पूरा चिपक गया है, दोनों तरफ चिपका दिया, कुछ हमने नीचे भी चिपका दिया है। अब हमें करना क्या है इसमें फिर से, ये देखिए इस टाइप की मैंने डोरी ली है और इसे हम इसके कॉर्नर पर लगाएंगे। इस तरीके से हम ग्लू की हेल्प से इसे चिपका देंगे। थोड़ा हम नीचे से शुरू करेंगे ताकि हमारी डोरी पीछे छुप जाए। इस तरह से हम इसे लगाना शुरू करेंगे। ये लगाने से देखिए बहुत एजेस क्लियर हो जा रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। कोई भी फैंसी आप लटकन वाली डोरी भी यहाँ लगा सकते हैं, और जैसे शेप आप देख रहे हैं राउंड में है, तो कुछ आपको इसे राउंड में जो डोरी हो जाए हमारी ऐसी लेनी पड़ेगी, ऐसी लेस लेनी पड़ेगी, एकदम सीधी लेस हमारी इस पर लग नहीं पाएगी, इसे हल्की राउंड वाली लेस हम इस पर लेंगे लगाने के। और देखिए यहाँ पर ये जो कॉर्नर देख रहे हैं, यहाँ पर जो बैंगल के लिए हमने सर रखा था वहां तक हम लगाएंगे और कट कर देंगे, क्यों आगे हमारी ये बैंगल ऑलरेडी आ जाएगी तो वहां डोरी लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम पूरे ये बैग पे कवर कर लेंगे, यहाँ साइड में भी और जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है इसमें भी, पीछे का जो हिस्सा है इसमें पूरी राउंड में आएगी, यहां से पूरा राउंड जाकर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा पीछे वाले हिस्से पर। ये देखिए हमारी पूरे में डोरी लग के रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका हैंडल बनाना है। हैंडल बनाने के लिए देखिए या तो कोई भी कपड़ा कॉटन का आप ले सकते हैं, या फिर सेम कपड़ा, जैसे देखिए मैंने सेम वेलवेट के कपड़े की एक पट्टी बनाई है, अंदाजे से एक हैंडल लिया है मैंने, हैंडल का साइज देखिए एकदम अंदाजे से लिया है। उस पर हम ये हमारा मैचिंग का कपड़ा लगा देंगे और इस तरह से देखिए हमारा ये हैंडल तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारी पूरी पट्टी रेडी हो गई है। अब क्या करना है, ये देखिए एक साइड तो हमने बैंगल के लिए छोड़ दिया है, ये वाला साइड जो है, ठीक है। अब जो जिस साइड पूरा राउंड है उस तरफ हमें ये इसका हैंडल लगाना होगा। सो लगाने के लिए देखिए सिंपल है, इसे फोल्ड कर देंगे और ये जो है नीचे का पोर्शन से आपस में चिपका देंगे। आप हैंड स्टिच से भी कर सकते हैं, ग्लू से भी हो जाएगा, क्लॉथ ग्लू से भी हो जाएगा। मैं इसे ग्लू गन से इसे चिपका, ये देखिए इस तरह पूरा चिपकने के बाद में इसे हम ये जो बिल्कुल यहाँ पे हम फोल्ड करके रखेंगे, ये जो राउंड वाला है जगह छोड़िए उसके ऊपर देखिए, वहां हम इसे इस तरीके से लगा देंगे। और साथ ही साथ फिनिशिंग के लिए ये जो हमारी लाइन है लेस की, इसे भी हम एक राउंड हल्का सा इधर घुमाकर लगा देंगे। ये देखिए हैंडल लगने के बाद में अब हम आगे का जो हिस्सा है यहाँ पर बैंगल लगा देंगे हमारी। देखिए थोड़ी फिनिशिंग का हमारी थी तो मैंने यहाँ पर भी लेस लगा दी थी, अगर फिनिशिंग से है आपका तो आपको लेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम हमारी इस बैंगल को सेट कर देंगे। ये देखिए बैंगल लग गया, हैंडल लग गया, अब जो मेन पार्ट है साइड का हिस्सा जो हमें कवर करना है उसे करेंगे। देखिए ये हमने पहले इसलिए लगाया कि अगर कवर हो जाएगा तो स्टैंड हो जाएगा पर्स, तो ये फोल्ड होएगा बार बार, इसलिए हमने हैंडल और सब कुछ साथ में लगा दिया।
अब लास्ट हमारा ये हिस्सा हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये जो पट्टी हमने बनाई थी इसको हम सेंटर पर रखेंगे, इस तरीके से चिपका देंगे। और देखिए इस तरह का हम फोल्ड लेकर ये हमारे पर्स को चिपका देंगे। आप देख रहे हैं साइड में से हमारे पर्स को हमने इधर से भी चिपका दिया और इधर से भी चिपका दिया। ये हो गया साइड से हमारा पैक। देखिए हमारा साइड से जॉइंट हो गया है, दोनों तरफ से देखिए पूरा जॉइंट हो गया। आप देख रहे होंगे कितना सुंदर फिनिशिंग के साथ में हमारा पर्स आ गया। अब इसे देखिए ये हमारी ओपनिंग हो गई, अच्छी ओपनिंग दी है। हल्का सा देखिए साइड में हल्का सा प्रेस करेंगे तो देखिए अपने आप ही शेप बैठ रही है, अपने आप यहाँ की शेप बैठ रही है। सेम वैसे ही अपने आप यहाँ की भी शेप बैठ रही है। इसे लेना कैसे है देखिए, सिंपल ये जो कड़ा हमने लगाया है इसमें से हमारा ये हैंडल निकालेंगे, दैट्स इट। और ये हमारा पर्स रेडी हो गया हाथ में टंगाने के लिए। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से देखिए हमने आज हमारा पर्स बनाया है। हैंड पर्स है, कहीं भी पार्टी फंक्शन से हम ले जा सकते हैं। कलर वेरिएशन आप अपने हिसाब से इसमें बना सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।